वाल पाना अगर इतना आसान नहीं है ना, तो इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप उनको पा ही ना सके। नेचुरल DIY से आप अपने बालों को अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकते हैं, उनको अमेजिंग बना सकते हैं। आज का जो DIY मैं देने जा रही हूँ ना, वो भी बहुत अमेजिंग हो सकता है आपके बालों के लिए। जो भी आपकी इच्छा रही है आपके बालों को देखने की, वो इच्छा आपकी कम्प्लीटली पूरी कर देगा आज का DIY। स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो, पसंद आ जाती है अगर तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और जो ये अमेजिंग सा ग्लो आपको मेरे फेस पे दिखाई दे रहा है ना, तो ये 7 डेज स्किन केयर चैलेंज मैंने आप लोगों को दिया है, एक बार वो करके देखिएगा, कुछ ऐसा ही ग्लो आपको आपके फेस पे नजर आएगा। तो आज का बालों का DIY पहले हम बना लेते हैं, उसके बाद वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं, चैनल पे बड़े आसानी से आपको मिल जाएगी। स्टार्ट करें। आज की होम रेमेडी आपके बालों के लिए बिल्कुल नहीं होने वाली। आज से पहले आपने इस रेमेडी को बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया होगा, सच बता रही हूँ। अगर यूज़ किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा कि आपने कब, कैसे ये रेमेडी किस प्रॉब्लम के लिए यूज की है। तो आप देख सकते हैं आपका फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स है ये गेहूं का आटा, वही गेहूं जिसकी आप रोटियां बना के खाते हैं, वही गेहूं जिससे आप अपने फेशियल हेयर रिमूव करते हैं। ये गेहूं का आटा जब आपकी हेल्थ के लिए इतना अच्छा है, तो सोच के देखिए एक बार कि आपके बालों के लिए कितना अच्छा हो सकता है। इसके अंदर प्रोटीन, इसके अंदर हर न्यूट्रिशन जो आपके बालों की काफी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। ये आपके बालों में वॉल्यूम लेके आता है। ये यूवी रेड से, जो लोग बाहर ज्यादा काम करते हैं उनके लिए तो काफी अच्छा है, क्योंकि यूवी रेड से आपके बालों को प्रोटेक्ट करता है, आपके बालों की इलास्टिसिटी को बरकरार रखता है, जिससे आपको ब्रिकेज की प्रॉब्लम नहीं आती है। और हाँ, ये आपके ड्राई डैमेज्ड बालों को भी हल्का सा रिपेयर करने में आपकी हेल्प करता है। मेरा ध्यान था सिर्फ वीडियो के ऊपर, नीचे ध्यान नहीं था, मैं देख नहीं पाई कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैंने एक पैन लिया है, पैन के अंदर आटा डाल दिया है। आटा डालने के बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है आधा गिलास पानी, फिल्टर पानी, और ये आधा गिलास पानी आपको इसके अंदर डाल देना है। ओके, डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है आपको, इसे एक तरह से फेंट देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फेंटना है ताकि ये अच्छे से पानी के अंदर मिक्स हो जाए। ओके, तो ये बनके तैयार है हमारा गेहूं के आटे का टोनर। लेकिन इसके अंदर अभी फिलहाल एक इंग्रेडिएंट और जाएगा जो आपके बालों की थिकनेस को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि उसके अंदर होने वाला है ओमेगा 3 फैटी एसिड। फिर आपको लेना है एक साफ सा कंटेनर, और जो पानी था ना हमारा, उसे आपको इसके अंदर छान लेना है, ताकि जो थोड़ा सा आटा है ना, जो उसके पार्टिकल हैं, वो हमारे छन्नी में रह जाएं और हमें सिर्फ एक हल्का सा इसका जो पानी बन के तैयार है वो हमें मिल जाए। ठीक है ना, तो सिर्फ आपको इसका पानी लेना है। तो पानी हमें मिल चुका है, अच्छे से इसको आपको छान लेना है, और ये आपके बनके तैयार है रेमेडी। लेकिन अब इसके अंदर आपको एक और इंग्रेडिएंट्स डालना है जैसे मैंने बताया था, और ये है ओलिव ऑयल। आप इस रेमेडी को बिना ओलिव ऑयल के नहीं यूज कर सकते हैं। जब आप इसको ओलिव ऑयल के साथ यूज करेंगे ना, तो ये अमेजिंग रिजल्ट छोड़ के जाएगी। सिर्फ आधा चम्मच आपको लेना है ओलिव ऑयल, दोनों को बड़े अच्छे से आपको मिक्स कर देना है कुछ इस तरीके से, या तो आप इसको स्प्रे बोतल में भर के स्प्रे कीजिए अपने बालों की जड़ों में, या फिर आप कॉटन की मदद से, या फिर आप फिंगर से, जैसे आप ऑयल लगाते हैं ना, तो आप इसको अपने बालों पे लगा सकते हैं। बहुत 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 हद से ज्यादा अमेजिंग होम रेमेडी है। तो ऑयल की तरह आज की रेमेडी को हम यूज करेंगे। बस ऑयल जैसे हम लगाते हैं ना, एक प्यारी सी 10 मिनट की आपको आपके स्कैल्प पे चंपी करनी है, ताकि जो रेमेडी आप लगा रहे हैं ना, वो अच्छे से आपके फोलिकल्स के अंदर तक जाए और इसका पूरा बेनिफिट आपके बालों पे आ जाए। जो गेहूं का आटा लिया है ना, वो बहुत मैजिकली तरीके से आपके बालों पे काम कर सकता है, आपकी स्कैल्प को ट्रीट कर सकता है। अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है ना, तो उसको भी ट्रीट करने में गेहूं का आटा आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है। और गेहूं का आटा एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स जो ऑफकोर्स ना चाहते हुए भी आपकी किचन में आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हम रोटी तो खाते हैं, खाना खाए बिना तो हम रह नहीं सकते हैं ना। तो आपको इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। लेकिन
लेकिन ओलिव ऑयल के साथ लगाएंगे, ठीक है ना। कोकोनट कैस्टर ऑयल के साथ आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। पूरा बेनिफिट अगर आप चाहते हैं आटे का तो आपको ओलिव ऑयल के साथ ही लगाना है। वीक में ये रेमेडी आप 2 बार 3 बार बस, उससे ज्यादा बार नहीं ट्राई कर सकते हैं। वीक में 2 से 3 बार आपको अपने हेयर वॉश करने चाहिए, ज्यादा बार नहीं करने चाहिए, नहीं तो उनका जो नेचुरल मॉइस्चर होता है ना वो उड़ जाता है और फिर ये रेमेडी भी आपके बल पे कमाल नहीं कर पाएगी जितना कि इसको करना चाहिए। तो सिर्फ 2 या 3 बार आप अपने हेयर वॉश कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की रेमेडी है, आप इस रेमेडी को अपने बच्चों पर भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं आपको डाउट है कि कहीं ये साइड इफेक्ट कर गई तो आप पैच टेस्ट इसका कर सकते हैं, ठीक है। अपने बालों पे हल्का सा पार्ट में आप इसको लगा के देख लीजिएगा और फिर जैसा भी आपको रिजल्ट मिलता है उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी हो सकती है ये रेमेडी आपके बालों के लिए। स्टोर करके नहीं रख सकते हैं क्योंकि गेहूं का आटा लिया है और आटा बहुत जल्दी खराब हो जाता है, इसीलिए आपको इसे फ्रेश बनाना है और इसे फ्रेश ही यूज करना है। तो इसे जरूर ट्राई करना है। आपका जो भी जैसा भी फीडबैक होता है वो मेरे साथ शेयर करना है, या तो आप इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं या फिर कमेंट्स के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं कि रेमेडी आपके लिए कैसी रही। ये था आज का छोटा सा प्यारा सा वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय बाय।